छिंदवाड़ा में आदिवासी युवक द्वारा परिवार के ही 8 लोगों की हत्या करने के मामले में अब नए खुलासे होने लगे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस पत्नी की आरोपी ने हत्या की उससे उसकी शादी 21 मई को ही हुई थी। अब तक घर के बाहर मंडप बना हुआ है। परिवार के मुताबिक आरोपी दिनेश उर्फ भूरा घटना को अंजाम देने के 2 दिन पहले यानी 26 मई रविवार को भी हत्या के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर घर के पास दिखा था, लेकिन कुत्तों के डर की वजह से वो घर में घुस नहीं पाया। बाद में उसे झाड़ फूंक के लिए परिजन किसी बाबा के पास ले गए थे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन उसने परिवार के 8 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिनेश की शादी वर्षा से 21 मई को हुई थी। उसके घर के आंगन में अभी भी मंडप बना हुआ है। सर इतवार को रात में वो कुल्हाड़ी लेकर मैं यहाँ पे सो रहा था, आंगन पे सो रहा था और मेरे बच्चे लोग सो रहे थे पीछे तरफ। तो वो रात में 2 बजे रात में कुल्हाड़ी लेके आया तो ये बाजू बारे मेरा मकान है खाली, इसमें घुस गया। वो इस मकान में घुस गया, मकान के पीछे मेरे बच्चे लोग सो रहे थे। तो बच्चों के साथ में कुत्ता था, तो वो बच्चों को मारने के लिए हो रहा था क्या, वो कुल्हाड़ी उसमें हाथ में रखा था तो कुत्ते के वजह से वो उनको पास में नहीं आने दिए, कुत्ते ने नहीं आने दिया उसके पास में। फिर मैं कुत्ता जब वो भूखा तो मैंने मेरी नींद खुली तो मैं जगा तो मैंने बोला, मैंने कहा कौन है भाई कुत्ता भूख रहा, इतनी मैंने बोला तो वो कुल्हाड़ी लेकर निकल के वापस आया। आपने देखे? हाँ देखा सर मैंने उसको भगते, तो कुल्हाड़ी लेकर मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा अरे भूरे कुल्हाड़ी लेकर तू कहाँ घूम रहा है इतनी रात में, उसने नहीं बोला मेरे से और भाग गया। फिर उसका बड़े भाई को बुलवाया, मैंने कहा अरे भोले रात में भूरे बोले घूम रहा था कुल्हाड़ी लेके। तो फिर उसको फिर हमने सुबह सर माने चलो एक पंडा के पास में झराई फुकाई करवाए, उनने झराई फुकाई करवाए तो थोड़ा राहत मिल गई उसको, ठीक हुआ। ठीक के बाद वो ठीक रहा और रहते रहते वो 1-2 दिन ठीक रहा। ठीक रहने के बाद में फिर वो क्या हुआ कि आज मैं रात में अब पता नहीं वो कितने रात में फिर उसका दिमाग फिर करेक्ट हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक दिनेश की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वारदात करने के बाद आरोपी जंगल की तरफ भागा था। गांव है बोदल का 4, यहाँ एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति दिनेश उर्फ बूरा इसके द्वारा अपने परिवार के 8 जो सदस्यों की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की गई है, जिसमें इसकी माँ बहन भाई भतीजे भाई भाभी और उनके जो 3 नाबालिग बच्चे, इस प्रकार कुल 8 लोगों की इन्होंने हत्या की। और इसके बाद में ये यहाँ से 50 मीटर दूर जो ताऊ का घर है वहाँ पे भी जाकर के ताऊ का जो बच्चा है 10 वर्षीय उसके ऊपर भी हमला करा और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। ताऊ के घर के में जो दादी है वो निस्तार के लिए उठी हुई थी, उनके द्वारा वहाँ की घटना देखने पर हल्ला किया गया और जिस पर ग्रामीण जग गए, उसको देख करके आरोपी तुरंत कुल्हाड़ी फेंक के और जंगल तरफ भाग गया। इधर परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए संपतिया उइके पहुंची, जहां उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि छिंदवाड़ा में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें भाई भाभी पत्नी और छोटे बच्चे सहित 8 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट है। बीता